नमस्ते। आज सुबह सुबह फिर एक बार मैं सत्य बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं बताऊँ आपको कि मैं हूँ विवेकानंद यादव, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज, सत्य का प्रतीक द BNY न्यूज। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कहना भी मजबूरी है क्योंकि घटना आए दिन प्रत्येक दिन हो रही है। कटिहार में दो व्यापारियों जो BJP के सदस्य थे उन्हें गोली मारी गई, जान बच गई। अब कटिहार जिला अंतर्गत बड़ाड़ी के मघैली निवासी राजेश यादव और राकेश यादव, जो सगे भाई, को अपराधियों ने पीट पीट कर मार दिया। अब मार कर उसे कटिहार बड़ौनी रेलखंड पे फेंक दिया गया। सुबह होते जब लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों सगे भाई, 27 वर्षीय 30 वर्षीय दो सगे भाई को लोगों ने पीट पीट कर मार कर फेंक दिया। कारण यह बाद में पता चलता है कि जमीनी विवाद के कारण विरोधी पार्टी ने दोनों भाइयों को पीट पीट कर मार दिया। 1 बीघा जमीन का विवाद जिसके कारण पीट पीट कर मारा गया। तो ये घटना आपराधिक घटना ही कही जाएगी। जो मारने वाले व्यक्ति हैं, जो उस दोनों लड़कों को मारा, राजेश और राकेश को, वो अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग हैं। व्यापारी को गोली चलाने वाले अब तक पकड़े नहीं गए, CCTV खंगारी गई, पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है, लगातार छापामारी कर रही है, लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया। डब्लू शाह और पूर्व अध्यक्ष की जो गोली लगी अब तक पकड़ा कोई नहीं गया। चलिए ठीक है, फिर बड़ाड़ी के मघैली निवासी राजेश और राकेश की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर में मंजू देवी नाम की जिला परिषद की सदस्या को अपराधियों ने दो गोली मारा। वह मोटरसाइकिल से आ रही थी बाजार से, उसे दो गोली मार दी गई। इलाज के दरमियान यह हल्ला हुआ कि उसे गोली मारी गई, इलाजरत है। तो क्या हो रहा है बिहार में? इसके अलावे कई घटनाएं हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक दिन अखबार या मीडिया में आए या न आए, प्रत्येक दिन 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं इस बिहार के अंदर में हो रही है। अपराधियों को प्रशासन का कोई डर नहीं है, अपराधियों को किसी से कोई डर नहीं है। समस्तीपुर में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और वहां जिला परिषद मेंबर को गोली मार दी जाती है। क्या है कानून व्यवस्था? लोग क्यों नहीं समझते कि 15 साल शासन करने के कारण भाजपा और जदयू की जड़ें कमजोर हो गई है, खोखली हो गई है, मलाई खा के चमड़ी मोटा हो चुकी है। अब नए लोग आवेंगे तो ज्यादा वर्क करेंगे अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो लाभ जनता को होगा। पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को लाना चाहिए। पूरे बिहार की स्थिति बद से बदतर है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। आप समाचार पत्र लेकर आप बैठ जाएं तो केवल हत्या, केवल हत्या, केवल हत्या का प्रयास। आप सोशल मीडिया में वीडियो देखें तो हत्या, हत्या का प्रयास। क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, समझना होगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।